हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो भाई अभी तो धूप हो रही है अब। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट, हाँ SN बोलते हैं जिसको, उधर जा रहे हैं। वहाँ कुछ सामान लेना है। क्या सामान लेना है? जूते देखने को 350 रुपये के अगर मेरे को मिल गए तो ठीक है। हम पहुँच गए अब मेट्रो स्टेशन और वेट कर रहे हैं ईशा जिसकी बहन। हमने ब्लॉग में दिखाया उसको? हाँ दिखाया था, कैरम में। हाँ हाँ, वो सोलन भी आएगी। हाँ सोलन भी आएगी। हाँ मैं भूल गया, मैं तो उसका वेट कर रहे हम। आ गई है टाइम पे। बिल्कुल, क्यों लेट हो गए थे आप लोग? हम टाइम पे थे, तू लेट हो गया। ठीक है, तो अब हम मैजेंटा लाइन से येलो लाइन के लिए चेंज कर रहे हैं। और यहाँ इतना रश हो रहा है, आज संडे का दिन है, शायद हमने गलत दिन चूज किया जाने के लिए। कोई नहीं, ये देखो बच्चा जा रहा है, ये बच्चा जा रहा है, बच्चा खो गया। भीड़ एक तरफ जा रही है, इनको नहीं पता कि किधर जाने, बस चले जा रहे हैं। कैसे, जैसे कहीं जंग से छूट के आए। तो जो पालम और जनकपुरी के साइड से आ रहा है उसको हॉस खास उतर के चेंज करना है येलो लाइन के लिए, और येलो लाइन से INA उतर के पिंक लाइन ले लिया। पिंक लाइन से सरोजनी नगर दो स्टेशन है। ये जो मेट्रो का एग्जिट है, इन लोगों ने चेंज कर दिया है। एग्जिट काफ़ी उल्टी डायरेक्शन में दिया है, जिससे हमें वापस से वहीं जाना है सरोजनी नगर का गेट है। तो मतलब हम जितना चल के अभी एग्जिट के लिए आए, उतने ही चल के हमें गेट में एंटर करने के लिए चलना पड़ेगा। ओ भाई, एंटर हो गए। यहाँ ये लड़कियों का सामान है, यहाँ खाने का और बैग वैग। बहुत भीड़ है यार। गेट से एंटर होते ही लेफ्ट साइड में इनकी ये इयररिंग्स की शॉप है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। और ये बैग्स की कलेक्शन है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे बैग्स हैं 250-300 की रेंज में। ये बैकपैक्स, और ये है चिकनकारी सूट मिरर वर्क के साथ, इसकी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। और ये है शॉर्ट कुर्ती, जिसका प्राइस है 250-300 के बीच में। और ये वॉचेस के कलेक्शन, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है। ये सारी इयररिंग्स इस स्टॉल पे जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ में। मुझे तो देख के ऐसे हो रहे कि सारी इयररिंग्स ले लो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर तरीके की इयररिंग्स है, चेन लुक में, मार्बल लुक में, पर्ल, पिकॉक शेड, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे सिर्फ 30 रुपीज़। हम आए हैं दूसरे इयररिंग स्टॉल पे। यहाँ पे कुछ इंडियन और काफ़ी अच्छी इयररिंग्स, ये इयररिंग ईशा ने अपने लिए ली। और यहाँ है ढेर सारे क्लेचर और हेयर बैंड। ये है बोहो नेक्सेट, ये आपको 100 से लेके 250 के रेंज में मिल जाएगा। और SN में शेड्स की इतनी अच्छी वेराइटी है कि देख के मज़ा ही आ गया। ये है कुछ ड्रॉप शोल्डर टॉप्स, जो कि क्रॉप है, हमेशा के लिए देख रहे थे बट उसे पसंद नहीं आया। और ये है कलरफुल ट्रेंडी और फंकी से कैप्स। और ये है मेंस सेक्शन, यहाँ पे टी शर्ट और शॉर्ट्स का सेट मिल रहा है। अब हम घुसे हैं शू शॉप में, और यहाँ पे डिस्प्ले में काफ़ी अच्छे शूज लगा रखे हैं, ये लेडीज़ के लिए। मतलब यहाँ हर कलर अवेलेबल है फ्लिप फ्लॉप्स में, और ये 250 में है। ये जूती, चप्पल, ये सारी चीज़ें 250 में। यहाँ पर प्रिंटेड शर्ट्स का कलेक्शन है 200 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छे प्रिंट्स हैं इसके। और अब बारी आती है नाइट सूट्स की, और यहाँ है मेंस प्रिंटेड शर्ट्स, और ये कलरफुल से कॉर्ड सेट। अब हम आए हील्स और फ्लैट्स की कलेक्शन देखने। यहाँ पे अच्छे अच्छे हील्स हैं, ब्लैक, न्यूड, वाइट, ब्राउन, सारे शेड्स मिल जाएंगे। और ये है फ्लैट्स, ये मैं अपने लिए देख रही हूँ कि मेरे पैरों पे कौन सा अच्छा लगेगा। ये भी अच्छा है, कलरफुल सा। और ये ईशा अपने लिए देख रही है ऑफिस में पहन के जाने के लिए। ब्लैक अच्छा लग रहा है, बट ये न्यूड ज़्यादा अच्छा लगा था, ईशा ने ये न्यूड वाला लिया है फाइनल। और अब हम आए हैं दूसरी शॉप पे, यहाँ पे मैं अपने लिए देख रही हूँ, ये वाइट स्टोन में है और ये कलरफुल वाला है।
तो मुझे कलरफुल अच्छा लगा तो हमने ये वाला फाइनल किया है मेरे लिए फाइनल। ये बैंगल्स का स्टॉल है और यहाँ पे काफ़ी ट्रेंडी बैंगल्स हैं। ये मुझे काफ़ी पसंद आया बट इसमें मेरा साइज़ नहीं है। और ये है 6 पॉकेट पैंट्स। यहाँ काफ़ी कूल से फ़ोन कवर्स हैं और इस शॉप पे ब्यूटीफुल से रेडीमेड ब्लाउज हैं। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इसका प्राइस सुन के आप काफ़ी शॉक होने वाले हैं, क्योंकि इन साड़ीज़ के जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ है। इतने सुंदर वाइब्रेंट और इनका फैब्रिक भी इतना अच्छा था तो ये सिर्फ 250 रुपीज़ में है। और अब बारी आती है हमारे फेवरेट शॉप की। यहाँ पे गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं, विंड चाइम्स, ड्रीम कैचर, सब कुछ मिलता है। तो अभी ये देख रहे हैं यहाँ पे एनीमे स्टैचू गोकू वेजिटा के, हमने यहाँ से पहले भी लिए हैं, 700 में दो लिए हैं मीडियम साइज़ के। इन्होंने ये दो का रेट 2200 बताया है बट ये मान के 1500 में आ गए थे, बट हमें कॉस्टली लगा तो हमने इस बार नहीं लिया। और ये अलग अलग है, यहाँ पे भगवान के स्टैचूज भी मिल जाएंगे, ये विंड चाइम। यहाँ हम कीचेन देख रहे हैं कुछ अच्छा सा हमें पसंद आ जाए, ये मूविंग है। और यहाँ कॉस्मेटिक्स लिपस्टिक्स 50 रुपीज़ में अवेलेबल है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है और हमारी इयररिंग्स की खोज ख़त्म नहीं हुई है। अब हम यहाँ पे इयररिंग्स देख रहे हैं तो ये ब्लैक वाला मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है और ईशा ने भी सेम ये ब्लैक लिया अपने लिए। और मैं देखती हूँ कुछ और अच्छा दिख जाए तो, ये वाटरमेलन और कलरफुल अलग अलग। यहाँ पे जितने भी ये वाले इयररिंग्स है ये 50 रुपीज़ में है, ये आई शेप, ये रेनबो शेप, सारे 50 रुपीज़ में है, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कोई भी कलर ले सकते हैं, पिंक, ये टील कलर, कोई भी कलर आप ले सकते हैं यहाँ से पसंद करके। और ये अब हमने थोड़ा सा फ्लैश जलाया है क्योंकि वीडियो में अच्छे से नहीं आ रहा था और हमें खुद को भी नहीं दिख रहा, तो अब हमने फ्लैश जला के देखा है। और ये 30 रुपीज़ में एंकलेट्स हैं और ये हैंड बैंड। और यहाँ पर प्रिंटेड कॉर्ड सेट्स और दिखे हैं मुझे। सारी शॉपिंग के बाद हम लोग आ गए हैं कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही थी, मैकडी बंद था तो हम लोग बर्गर किंग आ गए हैं। उस बंदे ने क्या किया, ये हर बार कुछ ना कुछ होता है हमारे साथ। एक चॉकलेट संडे था, उसने क्रंच भी डाल दिया। ठीक है फिर हम जा रहे हैं घर और गर्मी थी काफी, हमें ऑटो में कितने का 150 रुपये का पड़ा है, मतलब घर जाने का जो किराया 150 रुपये। वैसे हम वहाँ से जब आते हैं हम ऑटो पे तो हमें 130 रुपये लगते हैं, लेकिन 150 रुपये दे देकर ठीक है 150 रुपये, और हाँ 150 रुपये ठीक है, ठीक है अंकल 150 बहुत ज्यादा है भैया। नहीं नहीं यार, अंकल कह रहे 120 रुपए में उधर से आते हो, 130 इधर से 100 में ही होना चाहिए। नहीं वो आपके आने की सवारी के लिए हमने टोटल वैसे, इधर से जाने में भी तो ऐसे ही होना चाहिए, वो आप मान लेंगे चले तो जाते हैं। मीटर ऑन करके दिखाऊं कितने बनाएंगे, वैसे ऑन करना है वैसे हम देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा ना कि हम बेकार में बैसबाजी करते हैं। एक बार दिखाने के लिए ऑन करके 170 रुपये तो जायज पैसे बताए, एक बार ऑन तो करो देखूंगा साथ साथ, घर जाना था इसलिए, एक बार ऑन तो करो देखूंगा साथ साथ। ऑन करने का मेरे को इसलिए फायदा नहीं, रिवाइज नहीं है मेरा। क्या नहीं है, रिवाइज नहीं है मेरा, रिवाइज जो नया रेट है वो नहीं आ रहा पुराने रेट का। हम लोग फ्लाईओवर पे उतर गए थे और यहाँ पास में ही रेलवे स्टेशन है और हम नीचे उतर रहे हैं अभी सीढ़ियों से। ये है यहाँ का मार्केट, ये पूरा मार्केट एरिया है। ये मैंने लिए वेलवेट के फ्लैट्स जो कि बैक साइड से ऐसे हैं। मुझे ना एक्चुअली मेरे पैर पे वेलवेट के जो फ्लैट्स होते हैं या चप्पल जूती जो भी होती है वो वेलवेट की बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए वेलवेट के लिए एक ये शेड लिया है जो कि थोड़ा चेरी शेड मरूनी शेड है, और ये दूसरा शेड है जो कि ब्राउन है और ये मुझे 250 में मिला है। दोनों ही शेड मुझे बहुत पसंद है तो मैंने दोनों ही ले लिए। ये जो थर्ड फ्लैट्स हैं ये मैंने फेस्टिव पर्पज़ के लिए लिए हैं,
ये बैक साइड से ऐसे, और ये इस पर ये एम्बलिशमेंट हो रखी है ये पर्ल की, और मिरर लगे हुए हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फेस्टिव वेयर में ऐसे थोड़ा चमक धमक अच्छा लगता है, तो मैंने ये वाला लिया है। ये भी 250 का है। ये मैंने नाइट सूट पर्पज़ के लिए लिया, ये मुझे 200 का पड़ा था, और इसका फैब्रिक जो है सॉफ्ट है, मतलब गर्मी के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, और मैंने काफ़ी लूज़ लिया है ये क्योंकि गर्मियों में लूज़ ठीक होता है, तो ये मुझे 200 का पड़ा। तो अब बारी आती है ब्यूटीफुल और कलरफुल ईयरिंग्स की। तो ये मैंने परचेज़ की है 50 रुपीज़ में, मुझे काफ़ी अच्छा कलर लगा इसका। और ये मार्बल लुक में जो ईयरिंग है, इसके मैंने दो शेड लिए हैं, एक ब्लू और एक क्रीम सा शेड है। ये भी सभी ड्रेसेस के साथ अच्छा ही लगेगा, तो मैंने ये ले लिया था दोनों। अब बारी आती है ब्लैक ईयरिंग्स की, जो कि ओवरऑल सब पे चलता है। तो ये है 50 रुपीज़ में, और एंड में ये है राउंड ईयरिंग, ये भी मुझे 30 रुपीज़ में मिला है, और काफ़ी अच्छा शेड लगा मुझे इसका। और मैंने ये लिया अपने लिए किचन एक, मेरे को सिर्फ सरोजनी नगर में यही मिला, बाकी और तो 2200 रुपये के तो बड़े थे। उससे पहले मैंने 600 रुपये का मैंने लिया था, वो अभी हिमाचल में पड़ा है, तो मैं ये लिया है। ये मेरे को 80 रुपये का दिया उसने, 100 रुपये बोल रहा था, 80 रुपये का दिया उसने। ये है ब्रॉली, तो भाई ठीक है फिर, बाय, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।